वापस देवत्व समाज धर्म कृष्ण या क्राइस्ट द नेम इज द सेम गॉडहिट की ओर वापस मार्च 1976 नाम वही है फ्रैंकफर्ट एम मेन पश्चिम जर्मनी में इस्कॉन के केंद्र के पास हाल ही में सुबह की सैर के दौरान उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कई शिष्यों में निडेराल्टिच मठ के एक बेनेडिक्टिन भिक्षु फादर इमैनुएल जुंगक्लोसन शामिल हुए थे। यह देखते हुए कि श्री प्रभुपाद कैथोलिक माला के समान ध्यान की माला ले जा रहे थे, फादर इमैनुएल ने समझाया कि उन्होंने एक निरंतर प्रार्थना भी की, प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करें। निम्नलिखित बातचीत हुई, श्री प्रभुपाद, क्राइस्ट शब्द का क्या अर्थ है? फादर इमैनुएल, क्राइस्ट ग्रीक शब्द क्रिस्टोस से आया है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त। श्री प्रभुपाद, क्रिस्टोस कृष्ण शब्द का ग्रीक संस्करण है। फादर इमैनुएल, यह बहुत दिलचस्प है। श्री प्रभुपाद, जब एक भारतीय व्यक्ति कृष्ण को पुकारता है तो वे अक्सर कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आकर्षण। इसलिए जब हम भगवान को मसीह, कृष्ण या कृष्ण के रूप में संबोधित करते हैं तो हम उसी सर्व आकर्षक भगवान का संकेत देते हैं। जब यीशु ने कहा हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र हो, भगवान का नाम कृष्ण या कृष्ण था। क्या आप सहमत हैं? पिता इमैनुएल, मुझे लगता है कि यीशु ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें परमेश्वर के वास्तविक नाम मसीह के बारे में बताया है। हम भगवान को पिता कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें उनके वास्तविक नाम से संबोधित करना चाहते हैं तो हमें मसीह कहना होगा। श्री प्रभुपाद, हाँ, क्राइस्ट कृष्ण कहने का एक और तरीका है और क्रिस्टा कृष्ण के उच्चारण का एक और तरीका है भगवान का नाम। यीशु ने कहा था कि व्यक्ति को परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, लेकिन कल मैंने एक धर्मशास्त्री को यह कहते सुना कि परमेश्वर का कोई नाम नहीं है कि हम उसे केवल पिता कह सकते हैं। एक बेटा अपने पिता को पिता कह सकता है, लेकिन पिता का एक विशिष्ट नाम भी होता है। इसी तरह भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान का सामान्य नाम है जिसका विशिष्ट नाम कृष्ण है। इसलिए चाहे आप भगवान को मसीह, कृष्ण या कृष्ण कहें, अंततः आप उसी परम पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। फादर इमैनुएल, हाँ, यदि हम परमेश्वर के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो हमें अवश्य ही कहना चाहिए क्रिस्टोस। हमारे धर्म में हमारे पास तो एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर के पुत्र के प्रकटीकरण के द्वारा ही परमेश्वर का नाम जान सकते हैं। यीशु मसीह ने पिता के नाम को प्रकट किया और इसलिए हम मसीह का नाम परमेश्वर के प्रकट नाम के रूप में लेते हैं। श्री प्रभुपाद, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण या क्राइस्ट नाम एक ही है। मुख्य बिंदु वैदिक शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है जो इस युग में भगवान के नाम का जाप करने की सलाह देते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। राम और कृष्ण भगवान के नाम हैं और हरे भगवान की ऊर्जा है। इसलिए जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान को उनकी ऊर्जा से संबोधित करते हैं। ये ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आध्यात्मिक और भौतिक। वर्तमान में हम भौतिक ऊर्जा के चंगुल में हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भौतिक ऊर्जा की सेवा से मुक्त करें और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की सेवा में स्वीकार करें। यही हमारा संपूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण का अर्थ है हे भगवान की ऊर्जा, हे भगवान कृष्ण कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें। सेवा करना हमारा स्वभाव है। हम किसी न किसी रूप में भौतिक वस्तुओं की सेवा में आए हैं, लेकिन जब यह सेवा आध्यात्मिक ऊर्जा की सेवा में बदल जाती है तब हमारा जीवन परिपूर्ण होता है। भक्ति योग ईश्वर की प्रेमपूर्ण सेवा का अभ्यास करने का अर्थ है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यह या वह जैसे पदनामों से मुक्त होना और केवल ईश्वर की सेवा करना। हमने ईसाई, हिंदू और मुस्लिम धर्मों की रचना की है, लेकिन जब हम बिना किसी पदनाम के धर्म में आते हैं जिसमें हमें नहीं लगता कि हम हिंदू या ईसाई या मुसलमान हैं, तो हम शुद्ध धर्म या भक्ति की बात कर सकते हैं। पिता इमैनुएल, मुक्ति, भौतिक कष्टों से मुक्ति, श्री प्रभुपाद, नहीं, भक्ति। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति शामिल हो जाती है। भक्ति के बिना कोई मुक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम भक्ति के मंच पर कार्य करते हैं तो मुक्ति शामिल है। हम इसे भगवद गीता से सीखते हैं, 14.26 मम का योग व्याभिकरेणा भक्ति योग सेवा से तेसा गुणन समतित्येत ब्रह्म भूय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। पिता इमैनुएल, क्या ब्राह्मण कृष्ण है? श्री प्रभुपाद, कृष्ण परब्रह्म है। ब्रह्म को तीन पहलुओं में महसूस किया जाता है, अवैयक्तिक ब्रह्म के रूप में, स्थानीयकृत परमात्मा के रूप में और व्यक्तिगत ब्रह्म के रूप में। कृष्ण व्यक्तिगत हैं और वे सर्वोच्च ब्रह्म हैं, क्योंकि भगवान अंततः एक व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत में 1.211 में इसकी पुष्टि की गई है, वदन्ति तत्तत्व विद्या तत्वम यज्ञानद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मामेति भगवान इति सभ्यते। विद्वान पालौकिक लोग जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। सर्वोच्च व्यक्तित्व की विशेषता भगवान की अंतिम प्राप्ति है। उसके पास सभी 6 ऐश्वर्य हैं, वह सबसे मजबूत, सबसे अमीर, सबसे सुंदर, सबसे प्रसिद्ध, सबसे बुद्धिमान और सबसे त्यागी है।
फादर इमैनुएल, हाँ मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, क्योंकि भगवान निरपेक्ष हैं, उनका नाम, उनका रूप और उनके गुण भी निरपेक्ष हैं, और वे उनसे अलग नहीं हैं। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अर्थ है उनके साथ सीधे जुड़ना। जब कोई भगवान के साथ जुड़ता है तो वह ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करता है, और जब वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो वह सर्वोच्च भगवान का सहयोगी बन जाता है। पिता इमैनुएल, लेकिन भगवान के नाम की हमारी समझ सीमित है। श्री प्रभुपाद, हाँ हम सीमित हैं, लेकिन भगवान असीमित हैं। और क्योंकि वह असीमित है या निरपेक्ष है, उसके असीमित नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक ईश्वर है। हम उनके नामों को उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारी आध्यात्मिक समझ विकसित होती है। फादर इमैनुएल, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हम ईसाई भी ईश्वर के प्रेम का उपदेश देते हैं, और हम ईश्वर के प्रेम को महसूस करने की कोशिश करते हैं और अपने पूरे दिल और अपनी सारी आत्मा से उसकी सेवा करते हैं। अब आपके और हमारे आंदोलन में क्या अंतर है? आप अपने शिष्यों को पश्चिमी देशों में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करने के लिए क्यों भेजते हैं, जबकि यीशु मसीह का सुसमाचार यही संदेश दे रहा है? श्री प्रभुपाद, समस्या यह है कि ईसाई ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। क्या आप सहमत हैं? फादर इमैनुएल, हाँ काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद, तो फिर ईसाइयों के ईश्वर के प्रति प्रेम का क्या अर्थ है? अगर आप भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपका प्यार कहाँ है? इसलिए हम यह सिखाने आए हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का क्या अर्थ है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसके आदेशों की अवज्ञा नहीं कर सकते, और यदि तुम अवज्ञाकारी हो तो तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग भगवान से नहीं बल्कि अपने कुत्तों से प्यार करते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह सिखाने के लिए आवश्यक है कि भगवान के लिए उनके भूले हुए प्रेम को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। न केवल ईसाई बल्कि हिंदू, मुसलमान और अन्य सभी दोषी हैं। उन्होंने खुद को ईसाई, हिंदू या मुसलमान के रूप में रबर स्टैंप किया है, लेकिन वे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हैं। यही दिक्कत है। आगंतुक, क्या आप बता सकते हैं कि ईसाई किस तरह से अवज्ञाकारी हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ। पहला बिंदु यह है कि वे बूचड़खानों को बनाए रखने के द्वारा तू हत्या नहीं की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्या आप सहमत हैं कि इस आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? फादर इमैनुएल, व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, अच्छा, इसलिए यदि ईसाई ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो उन्हें जानवरों को मारना बंद कर देना चाहिए। फादर इमैनुएल, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। श्री प्रभुपाद, यदि आप एक बिंदु चूक जाते हैं तो आपकी गणना में गलती है। उसके बाद आप जो कुछ भी जोड़ते या घटाते हैं, गलती पहले से ही गणना में है, और उसके बाद आने वाली हर चीज भी दोषपूर्ण होगी। हम केवल शास्त्र के उस हिस्से को स्वीकार नहीं कर सकते जो हमें पसंद है, और जो हमें पसंद नहीं है उसे अस्वीकार करते हैं और फिर भी परिणाम प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मुर्गी अपने पिछले हिस्से से अंडे देती है और अपनी चोंच से खाती है। एक किसान विचार कर सकता है, मुर्गी का अगला भाग बहुत महंगा है क्योंकि मुझे इसे खिलाना है, इसे काट देना ही बेहतर है, लेकिन अगर सिर गायब है तो अंडे नहीं रहेंगे क्योंकि शरीर मर चुका है। इसी तरह यदि हम शास्त्रों के कठिन भाग को अस्वीकार करते हैं और जो भाग हमें पसंद है उसका पालन करते हैं तो ऐसी व्याख्या हमारी मदद नहीं करेगी। हमें शास्त्र के सभी निषेधाज्ञाओं को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वे दिए गए हैं, न कि केवल वे जो हमें सूट करते हैं। यदि आप पहले आदेश का पालन नहीं करते हैं तू हत्या नहीं करेगा, तो भगवान के प्यार का सवाल कहाँ है? आगंतुक, ईसाई इस आज्ञा को मनुष्यों पर लागू होने के लिए मानते हैं, जानवरों पर नहीं। श्री प्रभुपाद, इसका मतलब यह होगा कि क्राइस्ट इतने बुद्धिमान नहीं थे कि सही शब्द हत्या का इस्तेमाल कर सकें। हत्या है, हत्या है, हत्या मनुष्य को संदर्भित करती है। क्या आपको लगता है कि यीशु इतना बुद्धिमान नहीं था कि वह हत्या शब्द के बजाय सही शब्द हत्या का इस्तेमाल कर सके? हत्या का अर्थ है किसी भी प्रकार की हत्या, और विशेष रूप से पशु हत्या। अगर यीशु का मतलब सिर्फ इंसानों की हत्या करना होता तो वह हत्या शब्द का इस्तेमाल करता। उन्होंने खुद को ईसाई, हिंदू या मुसलमान के रूप में रबर स्टैंप किया है, लेकिन वे भगवान का पालन नहीं करते हैं। यही दिक्कत है पिता इमैनुएल, लेकिन पुराने नियम में आ गया तो हत्या नहीं करेगा हत्या का उल्लेख करता है, और जब यीशु ने कहा तू हत्या न करना तो उसने इस आज्ञा का विस्तार इस अर्थ में किया कि एक मनुष्य को न केवल दूसरे मनुष्य की हत्या करने से बचना चाहिए बल्कि उसके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अन्य जीवों के साथ मनुष्य के संबंधों के बारे में बात नहीं की बल्कि केवल अन्य मनुष्यों के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की। जब उसने कहा तू हत्या नहीं करेगा तो उसका मानसिक और भावनात्मक अर्थ में भी मतलब था कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए या उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए इत्यादि। श्री प्रभुपाद, हम इस या उस वसीयतनामा से संबंधित नहीं हैं बल्कि केवल आज्ञाओं में प्रयुक्त शब्दों से संबंधित हैं। यदि आप इन शब्दों की व्याख्या करना चाहते हैं तो वह कुछ और है। हम सीधा अर्थ समझते हैं।
तू हत्या नहीं करेगा का अर्थ है ईसाइयों को हत्या नहीं करनी चाहिए। कार्य के वर्तमान तरीके को जारी रखने के लिए आप व्याख्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं कि व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि चीजें स्पष्ट नहीं हैं तो व्याख्या आवश्यक है, लेकिन यहाँ अर्थ स्पष्ट है। तू हत्या नहीं करेगा एक स्पष्ट निर्देश है। हमें इसकी व्याख्या क्यों करनी चाहिए? फादर इमैनुएल, क्या पौधों को खाने से भी मृत्यु नहीं होती है? श्री प्रभुपाद, वैष्णव दर्शन सिखाता है कि हमें पौधों को अनावश्यक रूप से मारना भी नहीं चाहिए। भगवद गीता 9:26 में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलत तोयम यो में भक्ति प्रयाचति तद अहम भक्ति उपहर्तम अस्नामी प्रयातम्न। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी देता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। हम कृष्ण को केवल उसी तरह का भोजन प्रदान करते हैं जैसा वे मानते हैं, और फिर हम अवशेष खाते हैं। यदि कृष्ण को शाकाहारी भोजन देना पाप है तो यह कृष्ण का पाप होगा, हमारा नहीं। लेकिन भगवान अप्पा विजना है, पापपूर्ण प्रतिक्रियाएं उस पर लागू नहीं होती हैं। वह सूर्य के समान है जो इतना शक्तिशाली है कि वह मूत्र को भी शुद्ध कर सकता है। ऐसा कुछ करना हमारे लिए असंभव है। कृष्ण भी एक राजा के समान है जो किसी कातिल को फांसी का आदेश दे सकता है, लेकिन जो स्वयं दंड के अधीन नहीं है क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। सबसे पहले भगवान को अर्पित किया गया भोजन खाना भी युद्ध के समय एक सैनिक की हत्या के समान है। युद्ध में जब सेनापति किसी व्यक्ति को आक्रमण करने का आदेश देता है तो शत्रु को मारने वाले आज्ञाकारी सैनिक को पदक प्राप्त होता है, लेकिन अगर वही सिपाही किसी को खुद मारेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसी तरह जब हम केवल प्रसाद कृष्ण को अर्पित भोजन के अवशेष खाते हैं तो हम कोई पाप नहीं करते हैं। भगवद गीता 3:13 में इसकी पुष्टि की गई है, यज्ञ शिष्टसिना संतो मुसायंते सर्व किल्ब सह भुंजते ते टीवी आगम पापा या पैंती आत्मकरणत। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे भोजन करते हैं जो पहले बलिदान के लिए चढ़ाया जाता है। अन्य जो व्यक्तिगत इंद्रिय भोग के लिए भोजन तैयार करते हैं वास्तव में केवल पाप ही खाते हैं। फादर इमैनुएल, कृष्ण जानवरों को खाने की अनुमति नहीं दे सकते? श्री प्रभुपाद, हाँ पशु साम्राज्य में, लेकिन सभ्य इंसान, धार्मिक इंसान जानवरों को मारने और खाने के लिए नहीं है। यदि आप जानवरों को मारना बंद कर दें और पवित्र नाम क्राइस्ट का जप करें तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे केवल भगवान के नाम का जाप करने का अनुरोध करने आया हूं। बाइबल भी आपसे यही मांग करती है, तो कृपया सहयोग करें और जप करें। और यदि आपके मन में कृष्ण नाम के जाप के प्रति पूर्वाग्रह है तो क्रिस्टो या कृष्ण का जप करें, कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य ने कहा, नमन आकारी बहुधानित सर्वशक्ति। भगवान के लाखों और लाखों नाम हैं, और क्योंकि भगवान के नाम और स्वयं के बीच कोई अंतर नहीं है, इन नामों में से प्रत्येक में भगवान के समान शक्ति है। इसलिए भले ही आप हिंदू, ईसाई या मुसलमान जैसे पदनामों को स्वीकार करते हैं, यदि आप अपने स्वयं के शास्त्रों में पाए गए भगवान के नाम का जप करते हैं तो आप आध्यात्मिक मंच को प्राप्त करेंगे। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, यह जानने के लिए कि ईश्वर से कैसे प्रेम किया जाए। यही मनुष्य की वास्तविक सुंदरता है। चाहे आप हिंदू, ईसाई या मुसलमान के रूप में इस कर्तव्य का निर्वहन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे निभाएं। फादर इमैनुएल, मैं सहमत हूं। श्री प्रभुपाद, 108 ध्यान मनकों की एक स्ट्रिंग की ओर इशारा करते हुए, हमारे पास हमेशा ये मोती होते हैं जैसे आपके पास आपकी माला है। आप जप कर रहे हैं, लेकिन अन्य ईसाई भी जप क्यों नहीं करते? उन्हें इस अवसर को मनुष्य के रूप में क्यों चूकना चाहिए? बिल्लियां और कुत्ते जप नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक मानवीय जीव है। अगर हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं तो हम कुछ भी नहीं खो सकते हैं, इसके विपरीत हमें बहुत लाभ होता है। मेरे शिष्य लगातार हरे कृष्ण जप का अभ्यास करते हैं। वे सिनेमा भी जा सकते थे या और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। वे न तो मछली खाते हैं और न ही मांस और न ही अंडे। वे नशीले पदार्थ नहीं लेते हैं, वे नहीं पीते हैं, वे धूम्रपान नहीं करते हैं, वे जुए में भाग नहीं लेते हैं, वे अनुमान नहीं लगाते हैं और वे अवैध यौन संबंध नहीं रखते हैं। संबंध, लेकिन वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं। यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो चर्चों में जाएं और मसीह, कृष्ण या कृष्ण का जाप करें। क्या आपत्ति हो सकती है? पिता इमैनुएल, कोई नहीं है। अपने हिस्से के लिए मुझे आपके साथ जुड़कर खुशी होगी। श्री प्रभुपाद, नहीं, हम ईसाई चर्च के प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। चर्चों को बंद रखने के बजाय उन्हें हमें क्यों न दें? हम वहां 24 घंटे भगवान के पवित्र नाम का जाप करते थे। कई जगहों पर हमने चर्च खरीदे हैं जो व्यवहारिक रूप से बंद थे क्योंकि वहां कोई नहीं जा रहा था। लंदन में मैंने ऐसे सैकड़ों गिरजाघर देखे जो बंद हो गए थे या सांसारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे थे। हमने लॉस एंजल्स में ऐसा ही एक चर्च खरीदा। यह इसलिए बिक गया क्योंकि वहां कोई नहीं आया था, लेकिन अगर आप आज उसी चर्च में जाते हैं तो आप हजारों लोगों को देखेंगे।
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 5 मिनट में समझ सकता है कि भगवान क्या है, इसे 5 घंटे की आवश्यकता नहीं है। पिता इमैनुएल, मैं समझता हूँ श्री प्रभुपाद, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी बीमारी यह है कि वे समझना नहीं चाहते। आगंतुक, मुझे लगता है कि ईश्वर को समझना बुद्धि का प्रश्न नहीं है, बल्कि विनम्रता का प्रश्न है। श्री प्रभुपाद, नम्रता का अर्थ है बुद्धि। नम्र और नम्र लोग परमेश्वर के राज्य के स्वामी हैं, यह बाइबल में कहा गया है ना? लेकिन दुष्टों का दर्शन यह है कि हर कोई भगवान है, और आज यह विचार लोकप्रिय हो गया है। इसलिए कोई भी विनम्र और नम्र नहीं है। अगर हर कोई सोचता है कि वह भगवान है, तो उसे विनम्र और नम्र क्यों होना चाहिए? इसलिए मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ कि कैसे विनम्र और नम्र बने। वे हमेशा मंदिर में और आध्यात्मिक गुरु को सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, और इस तरह वे उन्नति करते हैं। नम्रता और नम्रता के गुण बहुत जल्दी आध्यात्मिक बोध की ओर ले जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, जो ईश्वर और आध्यात्मिक गुरु में दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वैदिक शास्त्रों का अर्थ प्रकट होता है। फादर इमैनुएल, लेकिन क्या यह विनम्रता बाकी सभी को भी नहीं देनी चाहिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन सम्मान 2 प्रकार के होते हैं, विशेष और साधारण। श्री कृष्ण चैतन्य ने सिखाया कि हमें अपने लिए सम्मान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा हर किसी का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह हमारे लिए अपमानजनक हो। लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्त को विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। फादर इमैनुएल, हाँ, मैं सहमत हूँ। श्री प्रभुपाद, मुझे लगता है कि ईसाई पुजारियों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। उन्हें क्राइस्ट या क्रिस्टोस नाम का जाप करना चाहिए और जानवरों के वध को माफ करना बंद कर देना चाहिए। यह कार्यक्रम बाइबल की शिक्षाओं का अनुसरण करता है, यह मेरा दर्शन नहीं है। कृपया तदनुसार कार्य करें और आप देखेंगे कि दुनिया की स्थिति कैसे बदलेगी। फादर इमैनुएल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।